ABPS न्यूज़। सरकार की अनदेखी व गांव के विकास के लिए स्वीकृत की जाने वाली कम धनराशि के कारण गांव में होने वाली समस्याओं व विकास कार्यों की मांगों को ABPS न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद अमरोहा के ब्लॉक गजरोला में स्थित फतेहपुर सोमाली गाँव पहुँचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर है। लगभग 2000 की आबादी व 1000 वोटरों द्वारा कामेंद्र सिंह को अपना प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में 250 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 95 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 50 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से 20 हैंडपंपों को वर्तमान प्रधान द्वारा रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 90 विद्युत पोल, 10 विद्युत ट्रांसफार्मर एवं सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजा व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण भी कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 95 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 13 आवासों का निर्माण भी कराया गया है। ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम पंचायत फतेहपुर सोमाली, न्याय पंचायत ढकियापुर, ब्लॉक गजरोला, जिला अमरोहा ये है। और तो हमारे जो गांव की जो समस्या है वो समस्या ये एक तो है जो लोग विधायक है या सांसद है वो आते हैं गांव के अंदर आने के बाद वो कहते हैं कि हाँ इतना पैसा आएगा और पैसा देते नहीं, और जाते विधायक के पास तो वो कहते हैं कि तुमने उसे लड़ाया है या इसे लड़ाया है, इसलिए वो विकास नहीं कर पा रहे। और जीतने के बाद में इधर आते ही नहीं। अब तमर सिंह का सांसद बने हैं, 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे गांव में एक बार आने के बाद दोबारा नहीं आया आज तक। अब विधायक जी से क्या कहें, उस दिन तो अभी तो कुछ टाइम हुआ है, अब देखते हैं उसके आगे क्या होता है उनके लिए। ये चीज़ है भारतीय संगठन या प्रधान संगठन है ये, हम इसके साथ हैं और इससे ज़्यादा जो जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विकास के लिए आप करें। अगर जितना ये भारतीय संगठन के लिए प्रधान के लिए करेंगे हम उनके साथ के लिए साथ रहेंगे।